नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लास यूट्यूब चैनल पर हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई वीडियो में बात करते हैं थायरस्टर के क्लास बी पल्स रेजोनेंस कम्यूटेशन के बारे में। हम आज समझेंगे कि एक पल्स रेजोनेंस कम्यूटेशन सर्किट किस तरह से काम करता है और सारा जो कम्यूटेशन का प्रोसेस एक ऑक्सिलरी थायरस्टर को ऑन करने के बाद एक निर्धारित समय में एल और सी के बीच में रिएक्टिव एनर्जी ट्रांसफर से किस प्रकार एक थायरस्टर को बंद कर देता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने समझा है कि एक फॉरवर्ड बायस थायरस्टर में कंडक्शन का प्रोसेस तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि गेट पर कोई ट्रिगर सिग्नल नहीं दे दिया जावे, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो ये जो जंक्शन J2 है वो रिवर्स बायस में एक अवक्षय परत ऐसी स्थिति में रखता है कि वो अविष्वाहकों का आवागमन तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि ये अवक्षय परत खत्म ना हो जाए। और जब हम ट्रिगर सिग्नल देते हैं और यहाँ जो लीकेज करंट है वो लैचिंग करंट से ज्यादा होता है तो आविष्वाहकों के फैलाव से पहले ये अवक्षय परत खत्म होती है। इन चारों परतों में आवेशवाहकों का विस्तार होने से हमारे कंडक्टिव थायरस्टर में वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम रह जाती है और ये वोल्टेज और सर्किट का जो रेजिस्टेंस है V/R करके परिपथ की धारा का निर्धारण कर देता है। जो कमाल की बात है थायरस्टर के बारे में वो ये है कि सिर्फ मिलीवाट पावर से हम किलोवाट पावर का बहुत आसानी से नियंत्रण गेट की मदद से ट्रिगर द्वारा कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर थायरस्टर ऑन हो गया है तो गेट अब इस कंडक्शन प्रोसेस पे कोई नियंत्रण नहीं रखेगा। तो एक रनिंग थायरस्टर को बंद करने के लिए जरूरी है कि इस J2 पर अवक्षय परत की पुनः स्थापना कर दी जावे और इस हेतु हमें दो काम करने होंगे। एक, इस थायरस्टर पे रिवर्स वोल्टेज लगानी होगी और इसके करंट को घटा के और एक लेवल है होल्डिंग करंट उससे कम करना होगा और होल्डिंग करंट ऑलमोस्ट 0 के बराबर है तो हमें इस थायरस्टर की धारा को शून्य प्राय कर देना है और एक रिवर्स वोल्टेज लगा के रखनी है। जब हम ये रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं तो इस थायरस्टर का करंट तेजी से एक समान रूप से घटता है और वो समय T1 पर जब पहली बार शून्य होकर उल्टा होता है तो ये धारा में परिवर्तन की दर जारी रहती है और वो T2 समय पर क्रम दिशा में अधिकतम धारा का मान पा लेता है जिसे हम रिवर्स रिकवरी करंट कहते हैं। ये जो रिवर्स रिकवरी करंट के दौरान जो धारा बढ़ी है उस दौरान ये जो दोनों बाहर की परतें हैं इससे आवेशवाहक इस N परत से आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन गए हैं और वो पी के होल से उल्टे रास्ते में चलकर विलोपित हुए हैं और ये दोनों जंक्शन J1 और J3 जब उत्क्रम अभिनीत है तो यहाँ एक बंद सा परिभाग बन गया है। जब यहाँ आवेशवाहकों की कमी हो जाती है तो ये उत्क्रम धारा घटकर T3 समय पे बहुत कम रिवर्स सैचुरेशन करंट जैसी हो जाती है और इस अंतराल को T1 से T3 के अंतराल को हम रिवर्स रिकवरी अंतराल कहते हैं और इस दौरान ये जो धारा ने समय के साथ जो समाकलन करके आवेश बनाया है उस आवेश को हम रिवर्स रिकवरी आवेश कहते हैं। रिवर्स रिकवरी आवेश का मान प्रारंभिक धारा के मान पे और थायरस्टर की संरचना पे निर्भर करता है। अब T3 के पश्चात यहाँ J2 जंक्शन के समीप आवेशवाहकों का विलोपन होता है और अवक्षय परत का निर्माण होता है तो इस टाइम को हम रिकॉम्बिनेशन टाइम कहते हैं और अवक्षय परत के निर्माण के बाद हमारे इस थायरस्टर में ब्लॉकिंग कैपेसिटी आ जाती है और गेट के बिना संकेत के ये थायरस्टर फॉरवर्ड बायस करने पे भी ऑन नहीं होता। तो इस समय जो T3 से लेकर T4 तक है उसे गेट रिकवरी समय कहते हैं और रिवर्स रिकवरी और गेट रिकवरी समय के टोटल को टर्न ऑफ टाइम कहते हैं। और हमारे सर्किट में जो रिवर्स वोल्टेज लगाने की जो समय काल है जैसे सर्किट रिवर्स वोल्टेज टाइम कहते हैं वो टाइम इस टर्न ऑफ टाइम से अगर अधिक होगा तो हमारा एक रनिंग थायरस्टर बंद हो जाएगा। थायरस्टर को इस प्रकार कंडक्शन करंट को होल्डिंग करंट से कम करके और टर्न ऑफ टाइम से अधिक समय तक रिवर्स वोल्टेज लगा के बंद करना कम्यूटेशन कहलाता है। कम्यूटेशन के 6 तरीके हैं जिन्हें हम क्लास A, B, C, D, E, F कहते हैं। हमने क्लास A और क्लास F के बारे में किसी दूसरी वीडियो में पहले जानकारी की हुई है तो आज क्लास B कम्यूटेशन के बारे में समझते हैं। जो हमारा क्लास B कम्यूटेशन है वो भी एक तरह का सेल्फ कम्यूटेशन प्रोसेस है जिस तरह का क्लास A था। यहाँ एक मेन थायरस्टर T1 को टर्न ऑफ करने के लिए हमें एक दूसरे थायरस्टर को टर्न ऑन करना पड़ेगा और ये जो दूसरा थायरस्टर है और ये जो पहला थायरस्टर है वो इन सर्किट के कम्यूटेटिंग कंपोनेंट के आपस में रेजोनेंस फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज की प्रक्रिया में एक TA इस ऑक्सिलरी थायरस्टर को ऑन करने के एक निर्धारित समय बाद ये जो मेरा पहला मेन थायरस्टर है वो बंद हो जाता है। जो अच्छी बात है वो ये है कि जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट है वो क्लास A की भांति लोड के
के साथ सीरीज में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि जिस थायरिस्टर का हमें कम्यूटेशन करना है उसके साथ समांतर में लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ कम्यूटेशन की प्रक्रिया के दौरान धारा वहन करते हैं, लगातार जो लोड करंट है उसके रास्ते में नहीं आते, तो इनके जो साइज हैं और कॉस्ट हैं और लॉसेज हैं वो कम हो जाते हैं। जो सर्किट की वर्किंग है वो इस प्रकार की है कि जो मेन थायरिस्टर है उसे बंद करने के लिए हमने दो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट एल और सी इसके समांतर में एक डायोड के साथ लगाए हैं, और एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर भी इन्हीं एल और सी के साथ समांतर में जोड़ा हुआ है। शुरू में जब दोनों थायरिस्टर, मेन थायरिस्टर और ऑक्सिलरी थायरिस्टर जो सप्लाई से फॉरवर्ड बायस तो हो रहे हैं, लेकिन अगर गेट पे सिग्नल नहीं है, ऑफ है, तो इस प्रोसेस में जो मैं एरो से दिखा रहा हूं, इस प्रोसेस में धारा वहन करने से ये मेरा कैपेसिटर इस चार्जिंग करंट से सप्लाई के बराबर वोल्टेज के साथ आवेशित है। और अब हमारी प्रक्रिया शुरू होगी कम्यूटेशन की, जब हम मेन थायरिस्टर T1 को चालू कर देंगे। मेन थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगरिंग पल्स देने पर इस आपूर्ति द्वारा इस परिपथ भार प्रतिरोध में धारा का वहन होता है, और जो आउटपुट लोड करंट है और थायरिस्टर जो मेन है मेरा, उन दोनों की धारा एक समान इस तरह से परिपथ में बहने लगती है। इस डायोड के कारण अभी ये कैपेसिटर उत्क्रम अभिनित होने के कारण, थायरिस्टर मेन T1 को चालू करने पे भी परिपथ पूरा नहीं होने के कारण पूर्व निर्धारित सप्लाई के बराबर वोल्टेज पे आवेशित रहेगा और इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब हमें T1 को बंद करना है तो एक निर्धारित समय से पूर्व हमें थायरिस्टर 2 को ट्रिगर पल्स देनी होगी। जब हम थायरिस्टर ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA को ट्रिगर पल्स देंगे तो वो एक ऐसी परिपथ में प्रक्रियाएं करेगा कि एक निर्धारित समय के बाद T1 बंद हो जाएगा। जरा समझते हैं कि वो सब कैसे हो रहा है। ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA को गेट पे ट्रिगर सिग्नल देने पर ये एक परिपथ के भाग में धारा का संचालन शुरू हो जाएगा, और आप पाएंगे कि ये जो हमने प्रचलित धारा की दिशा कैपेसिटर की मानी थी, उस इस नीले तीर वाली जो मेरी कैपेसिटर की जो प्रचलित धारा है उसकी इस लाल तीर की दिशा में मेरा ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर इस कैपेसिटर के साथ एक परिपथ पूर्ण कर लेगा, और यहाँ इस LC सर्किट में अनुनाद के साथ धारा का प्रवाह होगा, और ये जो धारा है वो एक साइनोसोइडल रूप रखेगी, और इस कैपेसिटर करंट को हमने यहाँ -IM sin ωt कहा है, जहाँ इस IM का मान कैपेसिटर पे जो इनिशियल वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज के बराबर उस पे, और ये जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट C और L है इस पे निर्भर करता है, और इस अधिकतम धारा का मान निश्चित रूप से हमें C और L ऐसे चयन करने चाहिए कि वो भार धारा से ज्यादा रहे। ये जो धारा लाल तीर की दिशा में साइनोसोइडल बहती हुई जिस समय अपना अधिकतम मान बना लेगी इस दिशा में, उस समय कैपेसिटर निरावेशित हो जाएगा, उसका चार्ज शून्य हो जाएगा। अभी कैपेसिटर की जो विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा थी वो इस धारा के साथ इंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र की संचित ऊर्जा के रूप में आ गई है, और ये धारा का जो चलन है वो इस थायरिस्टर को अभी भी फॉरवर्ड बायस बनाए रखेगा, भले इस पे कोई बायस वोल्टेज ना हो, लेकिन ये इंडक्टर अब धारा के मान को साइनोसोइडल घटाता हुआ तब तक इस थायरिस्टर को कंडक्टिव मोड में रखेगा, जब तक कि इस T2 समय पे आप देख रहे हैं कि इंडक्टर की और कैपेसिटर की और इस थायरिस्टर ऑक्सिलरी थायरिस्टर की धारा क्या हो गई है, शून्य हो गई है। और इस दौरान इस पोलरिटी से उल्टी पोलरिटी के साथ मेरे कैपेसिटर पे नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज आ गई है। अब आप दो स्थितियों एक साथ ध्यान दें, इस ऑक्सिलरी थायरिस्टर की T2 समय पर धारा शून्य है, और इस कैपेसिटर की उल्टी पोलरिटी के कारण इस पे VS सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज की एक रिवर्स वोल्टेज है, तो वो इस ऑक्सिलरी थायरिस्टर के बंद होने की प्रक्रिया को पूरा कर देगा। हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर जैसे ही बंद होगा, ये जो डायोड है हमारा ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया है और T1 पहले से ऑन है, तो ये जो कैपेसिटर है वो जिसमें इस पोलरिटी के प्लस के साथ सप्लाई के बराबर वोल्टेज T2 समय पे थी, और उसने थायरिस्टर ऑक्सिलरी को बंद कर दिया है, और जैसे ही थायरिस्टर ऑक्सिलरी थायरिस्टर बंद हुआ है, डायोड D1 के मार्फत ये थायरिस्टर 1 के साथ मेन थायरिस्टर के साथ एक परिपथ में निरावेशन की स्थिति बनाता है, और ये धारा एक बार फिर साइनोसोइडल तरीके से और ऊपर की तरफ यहाँ देखिए पॉजिटिव सेंस के साथ इस नीले तीर के अनुसार बढ़ती है, और आप देखिए T3 समय पर ये धारा बढ़कर एक बार फिर लोड करंट के बराबर हो गई, और इस दौरान आप देख रहे हैं कि जो पहले से लोड की धारा बह रही है I0 और जो कैपेसिटर ने निरावेशन की धारा जो साइनोसोइडली पीक वैल्यू की तरफ बढ़ रही है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो थायरिस्टर की जो धारा है वो इस अंतर के कारण, क्योंकि ये कैपेसिटर का डिस्चार्ज करंट साइनोसोइडली बढ़ रहा है, तो थायरिस्टर मेन की करंट ग्रेजुअली घट रही है। और आप देखिए कि T3 समय पर एक सुंदर बात हुई है कि जो कैपेसिटर का करंट है डायोड D1 के साथ डायोड D के साथ वो लोड करंट के बराबर हो गया है, और ऐसी स्थिति में थायरिस्टर
जो मेरा मेन थायरस्टर है T1, उसकी धारा शून्य हो गई है और अभी भी कैपेसिटर के साथ इधर प्लस पोलैरिटी के साथ वोल्टेज है और ये वोल्टेज इस थायरस्टर T1 को बंद करने की प्रक्रिया को कर देगी। आप देखिए कि मेरा जो कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज अभी भी रिवर्स वोल्टेज रखे हुए है। T3 पे थायरस्टर 1 का करंट तो शून्य हो गया है लेकिन कैपेसिटर की वोल्टेज अभी भी इस नीले तीर की डायरेक्शन में पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ इस मेन थायरस्टर T1 को रिवर्स बायस बनाने की स्थिति में है और ये रिवर्स बायसिंग T4 समय तक रहेगी और ये T3 से T4 का जो समय है वो परिपथ का कम्यूटेशन टाइम है। इतने समय तक थायरस्टर 1 को हम रिवर्स बायस रख रहे हैं तो हमें थायरस्टर 1 इस प्रकार का चयन करना है कि उसका टर्न ऑफ टाइम इस TC टाइम से क्या हो, कम हो। तो हम यहाँ इन्वर्टर ग्रेड जल्दी से टर्न ऑफ होने वाला थायरस्टर का इस्तेमाल करेंगे और वो इस T3 से T4 के समय के बीच में आराम से बंद हो जाएगा। हमने देखा कि T2 समय पे जिस समय कैपेसिटर की करंट इंडक्टर के इस रिवर्स चार्जिंग प्रोसेस में उल्टी पोलैरिटी के साथ VS वोल्टेज पा लेती है और करंट को जीरो करती है, उस समय थायरस्टर जो ऑक्सिलरी थायरस्टर है उसे हम बंद करने की प्रक्रिया कर देते हैं और उसी दौरान डायोड डी को फॉरवर्ड बायस करके कैपेसिटर T1 के साथ डिस्चार्ज होने लगता है और ये जो साइनोसोइडल करंट अब इस दिशा में बढ़ेगा इसका अधिकतम मान इस मैग्नीट्यूड से जो VS सप्लाई वोल्टेज है और C और L ये कम्यूटेटिंग कैपेसिटेंस फेराड में और हेनरी में कम्यूटेटिंग इंडक्टर है, इस IM का मान हमने I नोट से ज्यादा रखा हुआ है। तो T3 समय पे ये करंट बढ़ता हुआ जैसे ही I नोट से ज्यादा हुआ उसने थायरस्टर के करंट को शून्य कर देना है और इसी दौरान कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होने से उल्टी पोलैरिटी की जो वोल्टेज रखे हुए था इस प्लस और माइनस से उल्टी वो अभी भी घटी तो है लेकिन शून्य नहीं हुई है। तो हमारे पास ये T3 से T4 के बीच में एक अंतराल था जिसमें हमारा ये तेजी से बंद होने वाला इन्वर्टर ग्रेड थायरस्टर है वो बंद हो गया है। तो आप पाते हैं कि इन थायरस्टर में जब मैंने ऑक्सिलरी थायरस्टर को ट्रिगर पल्स दी है T1 समय पे तो T1 से लेके और T3 समय के बीच में हमारा ये जो मेन थायरस्टर है वो परिपथ की घटनाक्रम से जहां L और C में अनुनादी अवस्थाओं में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है और एक पल्स निकलती है इस कैपेसिटर के डिस्चार्ज करंट से करंट की और वो करंट की पल्स इस T1 थायरस्टर के लोड करंट को शून्य कर देती है और थायरस्टर को रिवर्स कैपेसिटर अपनी रिवर्स वोल्टेज से बंद करने की प्रक्रिया कर देता है। तो ऐसे कम्यूटेशन को हम करंट कम्यूटेशन या पल्स रेजोनेंस कम्यूटेशन भी कहते हैं। जब मेन थायरस्टर T1 बंद हो गया है T3 समय पे तब भी भार में धारा का प्रवाह जारी रहेगा, हमारी जो सप्लाई है वो कैपेसिटर के को डायोड के साथ फॉरवर्ड बायस करते हुए बाहर में करंट को तब तक जारी रखेगी जब तक कि T5 समय में कैपेसिटर पे इसी पोलैरिटी प्लस और माइनस के साथ सप्लाई के आवेश से विभव ना उत्पन्न हो जाए। जब कैपेसिटर पे सप्लाई के बराबर विभवांतर आ जाएगा तो ये कैपेसिटर इस परिपथ की धारा को रोक देगा और भार में धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। अब अगली बार जब हम T1 को ट्रिगर पल्स देंगे तो T1 मेन थायरस्टर के थ्रू भार में एक नियत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अगर हमें इस मेन थायरस्टर को बंद करना है तो हमें ऑक्सिलरी थायरस्टर को ट्रिगर पल्स देनी होगी और जब हम ऑक्सिलरी थायरस्टर को ट्रिगर पल्स देते हैं तो ये जो LC सर्किट है वो अनुनाद की अवस्था में कैपेसिटर पहले अपनी ऊर्जा इस इंडक्टर में लाल तीर से बनी हुई अधिकतम धारा जो इस स्थिति से इंकित हो रही है वो बनाकर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और यही धारा अभी कैपेसिटर को उल्टी पोलैरिटी के साथ इधर लाल सिरे पे पॉजिटिव पोटेंशियल देती हुई सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज से चार्ज कर देगी और जिस समय इंडक्टर का करंट जीरो होगा ये ऑक्सिलरी थायरस्टर बंद हो जाएगा। अब ये लाल तीर की पॉजिटिव पोटेंशियल वाला कैपेसिटर है वो डायोड डी को फॉरवर्ड बायस करते हुए साइनोसोइडली T1 के इस सर्किट में लोड करंट से उल्टी डायरेक्शन में करंट का प्रवाह करेगा और जब ये करंट जिसका अधिकतम मान लोड करंट से ज्यादा है T3 स्थिति पे बाहर धारा के बराबर होगा तो थायरस्टर का करंट शून्य हो जाएगा। कैपेसिटर में क्योंकि T3 समय पे भी कुछ आवेश से विभव बना हुआ है तो वो इसकी रिवर्स वोल्टेज बना के इस तेजी से बंद होने वाले इन्वर्टर ग्रेड थायरस्टर को बंद कर देगा और जब ये थायरस्टर बंद हो जाएगा तो भार में इस परिपथ से धारा बहेगी और वो कैपेसिटर को दोबारा सप्लाई वोल्टेज के बराबर चार्ज कर देगी और जब कैपेसिटर सप्लाई के बराबर इस पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ चार्ज होगा तो लोड में भी करंट फ्लो यहां T5 समय पे बंद हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कम्यूटेशन है इसे हम करंट कम्यूटेशन भी कह सकते हैं और एक अनुनादी पल्स
T1 को मिलती है, इसलिए इसको पल्स रिजोनेंस कम्यूटेशन भी कहते हैं, या पॉपुलरली हम लोग इसे अपनी टेक्निकल भाषा में क्लास बी कम्यूटेशन कहते हैं। जोन्स और कुछ दूसरे चॉपर सर्किट में इस तरह के क्लास बी कम्यूटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को हम एक वेरिएबल डीसी वोल्टेज में बदलते हैं।